साधना हिंदी है। हिंदी का परिचय करते इन पंक्तियों के साथ, इन सुंदर पंक्तियों के साथ मैं ममता चौधरी, व्याख्याता हिंदी, केंद्रीय विद्यालय शिवगंगा। मेरी परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर रेणु व्यास, डॉक्टर रेणु व्यास जी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें संबोधित करेंगे। मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी और उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे विद्यालय में और हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यालय के हमारे प्राचार्य महोदय जी श्री सी मुतैया सर और सभी शिक्षकगण, हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आगामी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम हिंदी पखवाड़े का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे विद्यालय में इस वर्ष 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और हम सभी कार्यक्रम, सभी प्रतियोगिताएं इस समय में रखेंगे। इसके लिए मैं सभी अध्यापकगणों से और सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगी कि वो सभी इससे जुड़े हमारी राजभाषा हिंदी को प्रेम दें और सम्मान व्यक्त करें। हिंदी महज एक भाषा ही नहीं, बल्कि भारत की एक समृद्ध संस्कृति का नाम है, समृद्ध संस्कृति का पर्याय हिंदी है, क्योंकि हिंदी ही भारत को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ने का कार्य कर रही है और इन भौगोलिक सीमाओं से परे दुनिया भर की तमाम मानवता को जोड़ने का सराहनीय प्रयास हिंदी द्वारा किया जा रहा है। हिंदी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़े पर ही नहीं, बल्कि हिंदी हर दिन, प्रत्येक दिन हमारे प्यार और हमारे सम्मान की हकदार है हिंदी। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगी कि इस कार्यक्रम को, इस हिंदी पखवाड़े को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग हो और हमारे हिंदी राजभाषा को आगे बढ़ाने के लिए और जो वर्तमान में हिंदी के सामने जो चुनौती है कि आने वाली पीढ़ी में हिंदी अपना प्रेम जगाए और भारत को अपना स्थान प्राप्त करे भारत में, इसके लिए हम सब मिलकर आज हम एक संकल्प लेते हैं, एक कोशिश शुरू करते हैं, ईमानदार कोशिश करते हैं कि सभी मिलकर हिंदी के लिए, हिंदी को प्रेम देने के लिए और भारत में हिंदी का स्थान दिलाने के लिए हम सब एकजुट होकर एक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, जितना हो सके राजभाषा हिंदी को प्रयोग करें, हिंदी का हम हक उनको दिलवाएं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले केंद्रीय विद्यालय, हमारे विद्यालय शिवगंगा के प्राचार्य महोदय को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी और इसलिए भी क्योंकि जब मैं विद्यालय में पहली बार इस विद्यालय से जुड़ी थी उस समय चूँकि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है और हिंदी भाषी क्षेत्र के हमारे प्राचार्य महोदय हैं, इसके बावजूद भी सर ने हिंदी में बात की और हिंदी में हमेशा बात करने की कोशिश करते हैं और हमें संबोधित करेंगे। अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय राजस्थान विश्वविद्यालय से जो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें संबोधित करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इन शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मैं ममता चौधरी, व्याख्याता हिंदी,
माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर रेणु व्यास जी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें संबोधित करेंगे। मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी और उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे विद्यालय में और हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यालय के हमारे प्राचार्य महोदय जी श्री सी मुत्तैया सर और सभी शिक्षकगण, हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आगामी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम हिंदी पखवाड़े का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे विद्यालय में इस वर्ष 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और हम सभी कार्यक्रम, सभी प्रतियोगिताएं इस समय में रखेंगे। इसके लिए मैं सभी अध्यापकगणों से और सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगी कि वो सभी इससे जुड़े हमारी राजभाषा हिंदी को प्रेम दें और सम्मान व्यक्त करें। हिंदी महज एक भाषा ही नहीं बल्कि भारत की एक समृद्ध संस्कृति का नाम है। समृद्ध संस्कृति का पर्याय हिंदी है, क्योंकि हिंदी ही भारत को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ने का कार्य कर रही है और इन भौगोलिक सीमाओं से परे दुनिया भर की तमाम मानवता को जोड़ने का सराहनीय प्रयास हिंदी द्वारा किया जा रहा है। हिंदी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़े पर ही नहीं बल्कि हिंदी हर दिन, प्रत्येक दिन हमारे प्यार और हमारे सम्मान की हकदार है हिंदी। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगी कि इस कार्यक्रम को, इस हिंदी पखवाड़े को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग हो और हमारे हिंदी राजभाषा को आगे बढ़ाने के लिए और जो वर्तमान में हिंदी के सामने जो चुनौती है कि आने वाली पीढ़ी में हिंदी अपना प्रेम जगाए और भारत को अपना स्थान प्राप्त करे भारत में, इसके लिए हम सब मिलकर आज हम एक संकल्प लेते हैं, एक कोशिश शुरू करते हैं, ईमानदार कोशिश करते हैं कि सभी मिलकर हिंदी के लिए, हिंदी को प्रेम देने के लिए और भारत में हिंदी का स्थान दिलाने के लिए हम सब एकजुट होकर एक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, जितना हो सके राजभाषा हिंदी को प्रयोग करें, हिंदी का हम हक उनको दिलवाएं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले केंद्रीय विद्यालय, हमारे विद्यालय शिवगंगा के प्राचार्य महोदय को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी और इसलिए भी क्योंकि जब मैं विद्यालय में पहली बार इस विद्यालय से जुड़ी थी उस समय चूँकि अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय है और हिंदी भाषी क्षेत्र के हमारे प्राचार्य महोदय हैं, इसके बावजूद भी सर ने हिंदी में बात की और हिंदी में हमेशा बात करने की कोशिश करते हैं और हमें संबोधित करेंगे। अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय राजस्थान विश्वविद्यालय से जो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें संबोधित करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इन शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें संबोधित करेंगे। मैं
मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी और उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे विद्यालय में और हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यालय के हमारे प्राचार्य महोदय जी श्री सी मुत्तैया सर और सभी शिक्षकगण, हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आगामी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम हिंदी पखवाड़े का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे विद्यालय में इस वर्ष 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और हम सभी कार्यक्रम, सभी प्रतियोगिताएं इस समय में रखेंगे। इसके लिए मैं सभी अध्यापकगणों से और सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगी कि वो सभी इससे जुड़े हमारी राजभाषा हिंदी को प्रेम दें और सम्मान व्यक्त करें। हिंदी महज एक भाषा ही नहीं, बल्कि भारत की एक समृद्ध संस्कृति का नाम है, समृद्ध संस्कृति का पर्याय हिंदी है, क्योंकि हिंदी ही भारत को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ने का कार्य कर रही है और इन भौगोलिक सीमाओं से परे दुनिया भर की तमाम मानवता को जोड़ने का सराहनीय प्रयास हिंदी द्वारा किया जा रहा है। हिंदी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़े पर ही नहीं, बल्कि हिंदी हर दिन, प्रत्येक दिन हमारे प्यार और हमारे सम्मान की हकदार है हिंदी। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगी कि इस कार्यक्रम को, इस हिंदी पखवाड़े को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग हो और हमारे हिंदी राजभाषा को आगे बढ़ाने के लिए और जो वर्तमान में हिंदी के सामने जो चुनौती है कि आने वाली पीढ़ी में हिंदी अपना प्रेम जगाए और भारत को अपना स्थान प्राप्त करे भारत में, इसके लिए हम सब मिलकर आज हम एक संकल्प लेते हैं, एक कोशिश शुरू करते हैं, ईमानदार कोशिश करते हैं कि सभी मिलकर हिंदी के लिए, हिंदी को प्रेम देने के लिए और भारत में हिंदी का स्थान दिलाने के लिए हम सब एकजुट होकर एक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, जितना हो सके राजभाषा हिंदी को प्रयोग करें, हिंदी का हम हक उनको दिलवाएं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले केंद्रीय विद्यालय, हमारे विद्यालय शिवगंगा के प्राचार्य महोदय को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी और इसलिए भी क्योंकि जब मैं विद्यालय में पहली बार इस विद्यालय से जुड़ी थी उस समय चूँकि अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय है और हिंदी भाषी क्षेत्र के हमारे प्राचार्य महोदय हैं, इसके बावजूद भी सर ने हिंदी में बात की और हिंदी में हमेशा बात करने की कोशिश करते हैं और हमें संबोधित करेंगे। अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय राजस्थान विश्वविद्यालय से जो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें संबोधित करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इन शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। वणक्कम। मैं केंद्रीय विद्यालय शिवगंगा के प्राचार्य श्री सी मुत्तैया जी और वहाँ हिंदी की अध्यापिका ममता चौधरी का हार्दिक धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि हिंदी पखवाड़े में मैं सुब्रमण्यम भारती, राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती की धरती को संबोधित कर सकूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत भी सुब्रमण्यम भारती से करना चाहती हूँ। उनकी एक कविता है, तमिल में उसका शीर्षक है एंगल ताय। मैंने उसका हिंदी अनुवाद जो पढ़ा है वो हमारी माँ। तो ये हमारी माँ भारत माता है और वो भारत माता के लिए कहते हैं मुँह इसके 30 करोड़ पर प्राण इसका केवल एक है। और 30 करोड़ मुँह सुब्रमण्यम भारती जी ने तब कहा था भारत माता के जब भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। आज भारत की जनसंख्या
अगर 125 अरब है तो ये मान लीजिए कि उतने मुंह हैं भारत माता की, उतनी उतनी जबानों से ये बोलती है, एक हृदय है भारत जननी। तो मैं पूरी वो हमारी माँ एंगल ताई कविता का पूरा अंश पढ़ना चाहूँगी। मुंह इसके 30 करोड़ पर प्राण इसका केवल एक है, इसके बोलने की 18 भाषाएं हैं पर इसका चिंतन एक ही है। जो बोलने की 18 भाषाएं, उस समय संविधान ने 18 भाषाओं को मान्यता दी थी और आज 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, तो वो सब हमारे देश की, भारत माता की के मुँह हैं। और केवल इतने ही नहीं, हमारी प्रादेशिक बोलियाँ और वो सब भी भारत माता के मुँह हैं। तो जो हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, तो ये 1 सितंबर से 14 सितंबर या सितंबर महीने में, तो 14 सितंबर का महत्व इसलिए है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा संविधान सभा ने स्वीकृत की थी और 343(1) में कि केंद्र की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। लेकिन इसके साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि इसी दिन 345वें अनुच्छेद में यह स्वीकार किया था संविधान सभा ने कि राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं होंगी और वो उन प्रदेशों की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और सबसे ज़्यादा व्यवहारित भाषाएं उनकी राजभाषा होगी। तो 14 सितंबर 1949 जब संविधान सभा ने हिंदी को केंद्र की राजभाषा का दर्जा दिया, तब उन्होंने तमिल को तमिलनाडु की, और उस समय मद्रास प्रांत था, तो उस तमिल प्रदेश की राजभाषा तमिल बनी, गुजरात प्रदेश की राजभाषा गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, सारी जो भारतीय भाषाएं हैं, जो देशी भाषाएं हैं, उन्हें राजभाषा का दर्जा मिला। ये सारी आधुनिक भारतीय भाषाएं, चाहे तमिल तो बहुत पुरानी भाषा है, तमिल और संस्कृत बहुत पुरानी ज्ञान की भाषाएं हैं, लेकिन जो आधुनिक भारतीय भाषाएं, जैसे हिंदी आधुनिक भाषा है, गुजराती आधुनिक भाषा है, बंगाली आधुनिक भाषा है, तो ये सारी भाषाएं लोक में जीवित थीं, लेकिन इनको दरबार में जगह नहीं थी। दरबार की भाषाएं संस्कृत, फारसी या अंग्रेज़ी रही, लेकिन 14 सितंबर 1949 इसलिए जाना जाएगा क्योंकि इन्होंने जनता की भाषाओं को राजकाज की भाषा बनाया। ब्रिटिश राज केवल अपनी सेना के बल पर हम पर काबिज नहीं था, वो अपनी भाषा और संस्कृति से भी हम पर वर्चस्व स्थापित करता था। तो उस वर्चस्व को हटाने का दिन है 14 सितंबर 1949। ये सिर्फ हिंदी का दिन नहीं है, ये गुजराती का भी दिन है, तमिल का भी दिन है, तेलुगु का भी, बंगला का भी, असमिया का भी, सारी भारतीय भाषाओं का दिन है। तो मैं इसको राजभाषा दिवस के रूप में जैसे हम मनाते हैं, तो राजभाषा हिंदी तो बनी ही केंद्र की, लेकिन सारी भारतीय भाषाएं जो राजभाषा बनी उसकी स्मृति में इस दिवस और इस पखवाड़े को रखना चाहती हूँ। एक और बात है कि हिंदी भारत की लगभग 43.6 करीब 44% लोग अपनी पहली भाषा के रूप में हिंदी भाषा को मानते हैं, हिंदी बोलने वाले हैं। लेकिन दूसरी भाषाओं का संख्यात्मक स्तर चाहे हिंदी से थोड़ा कम हो, तमिल के करीब 6% लोग हैं, बंगला के कुछ ज़्यादा हैं, तेलुगु के ज़्यादा हैं, लेकिन ये सारी भारतीय भाषाएं मिल करके लगभग 99% भारत बनाती हैं। अंग्रेज़ी को प्रथम भाषा के रूप में बोलने वाले, फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर बोलने वाले 0.02% हैं मात्र। तो 0.02% इस देश को अपनी मस्तिष्क के अनुसार ले जाए तो ये बड़ा अन्याय होगा ना। जो देश के 99.08% यानी कि लगभग 100% जो जिनकी प्रथम भाषा भारतीय भाषाएं हैं, तो वो भी इस देश के विकास में अपना योगदान दे सकें, इसलिए 14 सितंबर 1949 का दिन महत्वपूर्ण है, जिसे हम हिंदी दिवस के रूप में याद करते हैं। तो
इसके साथ ये है कि फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी 43-44% लोग बोलते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड लैंग्वेज में भी हिंदी को हम शामिल कर लें तो लगभग 57% लोग हिंदी को व्यवहार में लेते हैं। तमिल का प्रतिशत इसके मुकाबले कम है, लेकिन सारी भारतीय भाषाओं का अगर प्रतिशत मिलाएं तब भी ये बहुत बड़ा प्रतिशत है। अंग्रेजी को अगर फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज तीनों को अगर मिला लें तब भी अंग्रेजी 10.67% होती है, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 11% हिस्सा काम चलाऊ अंग्रेजी जानता है, यानी जो लगभग निवासी प्रतिशत हिस्सा है 89% भारत है, उसकी व्यवहार की भाषा अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी बहुत सुंदर भाषा है, हिंदी ने अपना अपने काव्य शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें, अपनी विधाएं सब अंग्रेजी से ली हैं, लेकिन बहुत हमारी भारतीय भाषाओं पर बहुत अंग्रेजी का असर है। ज्ञान विज्ञान की भाषा है अंग्रेजी, हमें अंग्रेजी को छोड़ना नहीं है, अंग्रेजी को हमें उससे ज्ञान ग्रहण करना है और उसे हिंदी और भारतीय भाषाओं में उस ज्ञान का प्रचार करना है। क्यों, अगर हम मेडिकल साइंस अंग्रेजी में पढ़े, अगर हम इंजीनियरिंग अंग्रेजी में पढ़े और इस मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग के फायदे, इसकी वैज्ञानिक सिद्धांत अगर हम तमिल में, गुजराती में, हिंदी में आम जनता तक पहुँचाएँ जिनकी पहुँच अंग्रेजी पुस्तकों तक नहीं है, तो फिर ये अंग्रेजी का वास्तविक उपयोग है। लेकिन राजकाज के रूप में भारतीय भाषाओं का, सभी भारतीय भाषाओं का व्यवहार बढ़ना चाहिए। और ये एक आज हम इस पखवाड़े में, हिंदी पखवाड़े में अक्सर राजभाषा हिंदी को ही याद करते हैं, लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि हिंदी राजभाषा तो 14 सितंबर 1949 को बनी, सारी भारतीय भाषाएं राजभाषा 14 सितंबर 1949 के बाद बनी, लेकिन हिंदी उससे पहले राष्ट्रभाषा का दर्जा पा चुकी थी और राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी सरकार ने हिंदी को नहीं दिया, राष्ट्रभाषा का दर्जा इस देश की जनता ने हिंदी को दिया। और इस देश की जनता ने जो हिंदी को दिया उसमें ये था कि हिंदी आज़ादी के आंदोलन की भाषा थी, आज़ादी के आंदोलन की भाषा हिंदी महात्मा गांधी के भारत आने से पहले भी कुछ हद तक थी, लेकिन महात्मा गांधी के भारत आने के बाद भाषा के किस स्तर पर भी उन्होंने जिस तरह से क्रांति की, गांधी जी हिंदी भाषी नहीं थे, उनकी मातृभाषा गुजराती है, उन्होंने अपनी लगभग सारी पुस्तकें, एकाध उपदेश की पुस्तक को छोड़ कर के, प्रवचन की पुस्तक को, सारी पुस्तकें उन्होंने गुजराती में लिखी हैं, उसका अनुवाद हम हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो उनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के योग्य समझा। और हिंदी राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं बनी कि उसके बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं, संख्या बल बहुत मायने नहीं रखता है, हिंदी राष्ट्रभाषा इसलिए बनी क्योंकि हिंदी पहले से अखिल भारतीय संपर्क की एक भाषा थी, जिस भाषा के जरिए मीरा के भजन तमिलनाडु तक पहुँचे, कबीर के भजन महाराष्ट्र तक पहुँचे, और तो एक पूरे संतों ने, सैनिकों ने, व्यापारियों ने इसको मध्यकाल से ही एक अखिल भारतीय संपर्क भाषा का जो रूप दिया था, उस संपर्क भाषा के रूप में हिंदी होने के कारण वो पूरे भारत में समझी जाने लगी, चाहे उसे प्रथम दर्जे की भाषा के रूप में कितने भी लोग बोलते हों, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और एक बहुत बड़ा योगदान इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में हिंदी इतर प्रदेशों के लोगों का है। महात्मा गांधी सबसे बड़ा नाम है, लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, सुब्रमण्यम भारती और बहुत सारे विद्वान, तिलक, बहुत सारे विद्वान जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है लेकिन उन्होंने राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी को स्वीकार किया। तो ये हिंदी इतर प्रदेशों का बहुत बड़ा ऋण है हिंदी भाषा पर, जिसे हम हिंदी भाषियों को उतारना है। और हम उसे इस तरह से उतार सकते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी दूसरी भारतीय भाषाएँ भी सीखें। मैंने गूगल पे कल ही सुब्रमण्यम भारती की कविता का को मूल तमिल में पढ़ा, और ये विशेष बात है कि वो मूल तमिल में भी मुझे देवनागरी लिपि में मिल गई, क्योंकि लिपि भी एक बड़ी बाधा होती है किसी भाषा को जानने में। तो मैं उसको अब
तमिल लिपि तमिल भाषा में पढ़ूंगी जो मैंने देवनागरी लिपि के जरिए उसको सीखा है, लेकिन उसमें उच्चारण की गलती होगी तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मुप्पडु एंगल ताई कही, जो मैंने हिंदी में आपको सुनाया था उसी का तमिल वर्जन। मुप्पडु कोटि मुह मुडयाल उरिय मोयंबुर ओयुडयाल इवल शेप्पु मोलिपत्ति मेट्टुई याल एनिर मिंदनई ओयुडयाल। तो अब मैं ये इस कविता को पढ़ते हुए कि जैसे वो हिंदी में कविता आ गई तो कैसे मुझे अपने पास लगी, और तमिल में आई तो मुझे कितना बोलने में दिक्कत हो रही है। तो ये है कि हिंदी का सारा साहित्य तमिल में आए, तमिल का सारा साहित्य हिंदी में आए, इसमें बहुत सारे विद्वानों ने योगदान दिया है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो दक्षिण में हिंदी का प्रचार शुरू हुआ था, वो सिर्फ हिंदी का प्रचार नहीं था, उसमें सारी भारतीय भाषाओं को दूसरे प्रांतों में भी फैलाने की भी बात थी। और आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं कि जब ईरोड कस्बे में जो पहला हिंदी विद्यालय खुला वो पेरियार के घर में खुला, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। ये अलग बात है कि बाद में हिंदी विरोध पेरियार से ने उसे उसको सपोर्ट किया, इसका कारण हम उत्तर भारतीयों की संकीर्णता भी थी कि हमने दक्षिण भारतीय भाषाओं को सीखने में तो अनिच्छा जाहिर की लेकिन हिंदी को एक तरह से लादने की कोशिश की। तो मैं सारे उत्तर भारतीयों की तरफ से उस वर्चस्ववादी मानसिकता के खिलाफ बोलना चाहूँगी कि हमें भी दूसरी भारतीय भाषाएं सीखनी है, उत्तर भारत वालों को भी और दक्षिण भारत वालों को भी उत्तर भारत की भाषाएं सीखनी है, तभी हम कह सकते हैं सुब्रमण्यम भारती के शब्दों में, एक हृदय है भारत जननी। और यही हमारा हिंदी को प्रचार के प्रचार का सबसे अच्छा माध्यम होगा। और जिस राजभाषा हिंदी की बात की है तो वो राजभाषा हिंदी भी जिस फॉर्मूले पर बनी है 343(1) में, वो फॉर्मूला भी मुंशी आयंगर फार्मूला कहलाता है। तो कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी हिंदी भाषी नहीं है, वो गुजराती उनकी मातृभाषा है, और अनंत शायनम आयंगार आपके राज्य के हैं जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए प्रस्ताव किया और उसका फॉर्मूला बनाया जो सबको स्वीकार्य हो सके अंतरप्रांतीय संपर्क भाषा के रूप में। तो आज आप सबको, आपके विद्यालय को, आपके सारे स्टाफ को, आपके सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी पखवाड़ा आप मनाएं, और केवल हिंदी ही नहीं सारी भारतीय भाषाओं के लिए हम उत्साह से भरे, उसे हमारी सारी भारतीय भाषाओं को हम अंग्रेजी के सहयोग से, संस्कृत के सहयोग से, तमिल और दूसरी भाषाओं के सहयोग से हम उन्हें ज्ञान विज्ञान की भाषाएं बनाएं, क्योंकि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी और दूसरी प्रांतीय भाषाएं पर्याप्त विकसित हैं। आपके यहाँ भी बहुत फिल्में बनती हैं, हमारे यहाँ भी बहुत फिल्में बनती हैं, वो सब पर्याप्त विकसित है, बहुत पत्रिकाएं, बहुत अखबार निकलते हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें भी अगर भारतीय भाषाओं में हो तो हिंदी का जो राजभाषा का दर्जा है, या सारी प्रांतीय भाषाओं का अपने अपने प्रांतों में राजभाषा का दर्जा है, वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी पखवाड़े की, और मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। नन्री जय हिंद। नमस्कार। सबसे पहले सभी को शिक्षा और प्यार बच्चों को राजभाषा हिंदी दिवस के में बताएंगे। मुख्य अतिथि डॉक्टर रेणु विजय जी राजस्थान जयपुर से हमारा साथ दिए। मैं केंद्रीय विद्यालय शिवगंगा का प्राचार्य हूँ, परिवार के साथ आपको दिल से स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको टाइम हम लोग को दिया ये हिंदी प्रोग्राम बनाने के लिए। ये नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया हूँ शिवगंगा से, छोटा बहुत कम बच्चों हो आदमी को हिंदी बात कर रहे हैं, ऐसे अभी ना हिंदी बकाड़ा बना रहा हूँ। आपको मोटिवेशन है, आपको इंस्पिरेशन है, हम लोग को बहुत स्ट्रेंथ दे दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको प्रोग्राम कराने के लिए, धन्यवाद। बहुत
सहज अभिव्यक्ति है हिंदी, वैज्ञानिक अक्षरों से युक्त पंक्ति है हिंदी, हर देशवासी की आसक्ति है हिंदी। नमस्कार आदरणीय मुख्य अतिथि जी, सम्मान्य प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि प्रतिवर्ष हिंदी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एवं उसका उत्सव मनाने के लिए हम 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन करते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और इसी सुअवसर पर आज मैं खुशि अग्रवाल कक्षा 11वीं अ से आप सभी के समक्ष हिंदी भाषा के प्रति अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरे विचार ज्ञानवर्धक व रोचक लगेंगे। 14 सितंबर 1949, यह वो शुभ दिन है जब संविधान के निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर हिंदी को राजभाषा घोषित किया, और इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा जो न केवल वैज्ञानिक रूप धारण किए हुए है अपितु वह भारत की संस्कृति और संस्कार की भी प्रतीक्षाया है। वो न केवल राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है बल्कि हर एक भारतीय की पहचान भी। हिंदी पूरे विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, और केवल भारत में ही 42% से अधिक लोग हिंदी भाषिक हैं। हिंदी के गौरव को बढ़ाने के लिए उसे विश्व की उन विकसित भाषाओं की सूची में सम्मिलित करवाने के लिए एवं विश्व में उसे वो स्थान प्राप्त करवाने के लिए जिसकी वो हकदार है, हम सभी को अपनी ओर से कुछ प्रयास करने होंगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के तहत हमें हिंदी को सर्वप्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए, उसका आदर व सम्मान करना चाहिए, उसे सहृदयता से अपना कर हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अंततः अपने द्वारा रचित कविता की इन पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हिंदी इस देश की जन्म से अनंत काल तक की भाषा है। हिंदी इस देश की जन्म से अनंत काल तक की भाषा है। हिंदी भारतीय संस्कृति की सर्वप्रथम भाषा है, मिटा देती है जो सारी नकारात्मक निराशा है। हिंदी जीवन की ऐसी ही स्वर्णिम परिभाषा है, उत्पन्न करती है जो मीठी सी अभिलाषा है। हिंदी इस देश की जन्म से अनंत काल तक की भाषा है। धन्यवाद।